होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध जटिल ऑपरेशन क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज होराइजन हॉस्पिटल जलविहार कॉलोनी कटोरतला रायपुर। नमस्कार, मैं हूं काजल साहू और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। कोरोना वायरस का कहर पूरे विश्व में है, लोग इस वायरस से काफी ज्यादा डर रहे हैं। इसी विषय पर हमारे संवाददाता भूपेश टानिया ने श्री मेडिसाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर अनुराग अग्रवाल से खास बातचीत की है। नमस्कार, जय हिंद। मीडिया 24 न्यूज की खास कार्यक्रम सेहत की बातें में आप सभी का स्वागत है। अभी हम बात करते हैं सेहत की बातें, तो सबसे पहला नाम आता है कोरोना वायरस का, जो चीन से फैलकर लगभग 77 देशों में जा चुकी है, जिसका अब तक कोई उपचार नहीं मिला है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मेडिसाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। तो डॉक्टर साहब, जैसा हम देखते हैं कि कोरोना वायरस जो लगातार भयावह स्थिति बन रही है, जो लगभग 77 देशों में फैल चुकी है, हम बात करें तो भारत में भी 150 से अधिक मरीज कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं, क्या लगता है इसका मुख्य लक्षण क्या है? देखिए, कोरोना का मुख्य लक्षण जो है वो एक सामान्य सर्दी खांसी बुखार के रूप में ही प्रदर्शित होता है, पर कुछ लोगों में यह सांस लेने में तकलीफ, छाती में दर्द और बहुत ज़्यादा तेज बुखार आना, बहुत कमजोरी लगना, ये सारे लक्षण आते हैं और ये इंगित करते हैं कि मरीज को सीवियर कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि जो सर्दी खांसी और बुखार इसका मुख्य लक्षण है, अभी हम देखें तो हमारे जहां छत्तीसगढ़ में लगभग एक सप्ताह हो गया मौसम लगातार ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से भी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को सर्दी खांसी और जुकाम जैसी जो बीमारी है इसका सामना करना पड़ रहा है। क्या लगता है आपको, जो नॉर्मल जो सर्दी खांसी जुकाम है इसको लेकर भी लोगों को जाके चेकअप कराना चाहिए एक बार? जी बिल्कुल कराना चाहिए, पर मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हर सर्दी खांसी बुखार या इस तरीके का लक्षण कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो सकता। आपको इन चीज़ों को विशेष ध्यान देना है। भारत सरकार ने भी हमें गाइडलाइंस दी हैं, भारत सरकार भी बार बार डिफरेंट मीडिया के माध्यम से ये बता रही है कि यदि आपने किसी ऐसे देश की यात्रा की है जहाँ की कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैला हुआ है, या आप किसी कोरोना वायरस ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में हैं, या आप किसी कोरोना वायरस के रोगी का इलाज कर रहे हैं, तो आपको इन लक्षणों के होने की संभावना होने पर कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। एक सामान्य सर्दी खांसी अभी सीजनल जो चल रही है वो कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार कोरोना वायरस हो। तो आम जनता से गुजारिश है कि वो हर सर्दी खांसी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन न समझें, अपने निकटस्थ चिकित्सक के पास जाएं, उचित सलाह लें। यदि चिकित्सक को लगता है कि मरीज संभावित रूप से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन का ग्राही हो सकता है, तो वो ज़रूर आपसे सलाह और इलाज करेगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि जो आम सर्दी खांसी है उसका भी इलाज कराना चाहिए, एक अहम सवाल आपसे जानना चाहते हैं, जैसे कि सैनिटाइज़र जो काफ़ी कम मूल्य में, इससे पहले जब कोरोना वायरस नहीं आया था, इससे पहले काफ़ी कम दामों में बिक रहा था, लेकिन हम जैसे ही कोरोना वायरस फैलती नज़र आई तो लोग इसकी कालाबाजारी शुरू कर दिया गया है। तो जिस प्रकार इसका कालाबाजारी शुरू कर दिया, क्या लगता है आपको कि जो साबुन है इस पर भी कहीं ना कहीं ये जो कोरोना वायरस है इससे बचा जा सकता है? बिल्कुल, साबुन भी बहुत अच्छे से कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को हमारे से बचा सकता है, पर उसके लिए हमें यह ध्यान रखना है कि साबुन का उपयोग हाथ धोने के लिए कम से कम 20 से 30 सेकंड तक करना है, मतलब साबुन का संपर्क हाथ में करीब करीब 20 से 30 सेकंड तक रहे, ताकि जो भी कीटाणु हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, बराबर से हाथ से निकल जाएँ और हम उसके द्वारा साबुन से इन्फेक्शन से बच सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस प्रकार शासन और प्रशासन इस कोरोना वायरस के चलते लगातार अलर्ट जारी कर रही है, और कहीं ना कहीं हम देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो 31 मार्च है, जो जिम है और जो स्कूल की छुट्टियां है घोषित कर दिया गया है, और हम देखें तो जब से छुट्टी घोषित हुई है तब से जो शराब की बिक्री है लगातार बढ़ रही है। लोगों का यह मानना है कि जो शराब है, शराब पीने से कोरोना वायरस जो है ख़त्म हो रही है, ऐसा लोगों का कहना है, खासकर हम रूरल एरिया की बात करें तो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा, अभी कोई भी ऐसा रिसर्च डाटा नहीं है जो अल्कोहल कंजम्पशन को प्रमोट करता हो कि इससे कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने की कोई संभावना नहीं है। यह सांस से फैलने वाली बीमारी है, मरीज के संपर्क में आने से फैलने वाली बीमारी है,
और जो शराब का नियमित या ओकेशनल सेवन करते हैं वो इससे इम्यून हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं कृपया आपके माध्यम से यह जागरूकता फैलाना चाहूँगा कि इस तरीके के गलत मैसेजों के प्रभाव में ना आए और अपने स्वास्थ्य का लगातार ध्यान रखें। सर, जैसा कि हम देखें कि जो WHO से जो किट मंगाया गया था तो कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो गया है, तो 20 लाख किट और मंगाए गए हैं। हालांकि यह दावा किया जा रहा है कि हमारे जो भारत में इसका लगातार निगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, किट का उपयोग सरकार के द्वारा बहुत अच्छे से किया जा रहा है। वर्तमान में उन्होंने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वो हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए है। मैंने पहले भी बताया, जो कि पेशेंट्स या तो फॉरेन कंट्रीज से आए हुए हैं, कोरोना संक्रमित क्षेत्रों से आए हुए हैं, या कोरोना संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए हुए हैं, या जो उनका इलाज कर रहे हैं, उन मरीजों को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं कि उनका किट टेस्टिंग पहले की जाए। केवल सामान्य सर्दी खांसी बुखार के मरीजों के लिए हम फिलहाल इस चीज़ को रोक कर रख रहे हैं। फिर भी यदि मरीज को ऐसा लग रहा है या डॉक्टर को, चिकित्सक को ऐसा लग रहा है कि मरीज को ऐसा कोई बीमारी है जो अन्य बीमारियों से परिलक्षित नहीं हो रही है और वो कोरोना का संभावित मरीज हो सकता है, तो उसके लिए भी हम किट की जांच के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्टर साहब, जब भी हम अभी जैसे घूमने निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो मास्क का उपयोग लगातार लोग कर रहे हैं। जैसे जैसे देख रहे हैं तो कहीं कोई फैशन के लिए यूज कर रहे हैं तो कहीं कोई बचाव के लिए यूज कर रहे हैं। अभी के दौर में जैसे देखें तो मास्क मिल नहीं पा रहा है, मास्क की भी हम देखें तो लगातार काला बाजारी शुरू हो चुकी है। तो अगर जैसे मास्क नहीं मिलता है तो इसके अलावा और लोगों को क्या कुछ यूज कर सकते हैं लोग? मास्क नहीं मिलना एक सामान्य अभी समस्याएं हो गई है, खास करके इस सीज़न में। पहले भी सार्स और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हुई थी जिसके कारण मास्क की क्राइसिस आई थी। पर मेरी आम लोगों से सलाह है कि केवल मास्क के ऊपर ही डिपेंडेंट ना रहें। अभी कोरोना के लिए भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के हिसाब से आपको सोशल डिस्टेंसिंग, इसका मतलब सामाजिक जो गैदरिंग हो रही है, जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसमें जाने से बचना चाहिए। कारण उसका ये होता है कि व्यक्ति काफ़ी पास पास होते हैं, क्लोज इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आप भी जब भी मार्केट, मॉल या ऐसी किसी जगह में जाएं जिसमें आपको दैनिक दिनचर्या की वस्तुएँ खरीदनी हैं, तो कोशिश करें कि ऑफ टाइम जाएँ या ऐसे समय जाएँ जहाँ उस समय भीड़ कम हो। दूसरा, व्यक्तियों से दूर रहने की कोशिश करें, खास करके उनको जिनको सर्दी खांसी बुखार की शिकायत है। यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो संक्रमित है या फिर संक्रमित क्षेत्र से आया हुआ है, तो उनसे मिलने की चेष्टा ना करें। इस समय अनावश्यक ट्रैवल, अनावश्यक यात्राएं अवॉइड करें। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि अगर आपको लगता है मास्क नहीं मिल रहा है, तो आप मोटा कॉटन का रुमाल एक टेम्परेरी सॉल्यूशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, पर वो प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ये ध्यान रखें कि हाथ को बार बार धोएं। इसके अलावा नाक, मुँह, आँख, कान को बार बार छूने से बचें। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में आने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप भी दोस्तों कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपके पास मास्क नहीं है, लेकिन नॉर्मल रूप से आप रुमाल रखे रहते हैं, उसका आप यूज़ कर सकते हैं ताकि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है आप तक ना फैले और कहीं ना कहीं जो सर्दी खांसी जुकाम के जो पेशेंट होते हैं उनसे भी बचने का प्रयास करें लगातार। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपील की है कि नमस्ते करें ताकि किसी भी तरह से पकने का किसी से प्रयास ना करें। दोस्तों, फिर होगी अपने अगले एपिसोड में मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए मीडिया 24 न्यूज़।